हेलो शांतनु, हेलो शांतनु, शांतनु आई थिंक 10 मिनट पहले ही आ गया था राइट क्लास में। सो कैसे हो बच्चों आप लोग? हेलो अदिति, हेलो संविता, हेलो शुभम। हेलो प्रियंका, हेलो जरीफा, हेलो कैट, हेलो सुनिधि, हेलो एकलव्य। वाह, वो वाला न्यूज़ सुनकर बहुत क्या क्या बहुत दुख हुआ। तुम्हें पता चल गया था मुझे? किसने बताया, किसने बताया तुम्हें, किसने बताया? तुम्हें भी विश्वास नहीं हुआ ना? तुम्हें यकीन हुआ? मुझे तो बहुत टाइम लग गया यकीन होने में। हेलो, हेलो एकता, हेलो बोल, हेलो बबीता, हेलो दुर्वेश, हेलो हेलो बच्चों, हेलो हेलो दुर्वेश। स्टार्ट करूं? स्टार्ट कर दूं? जल्दी से बताओ। आई थिंक दुर्वेश भी जानता था उसे शायद। मुझे हेलो एकता, मुझे भी बहुत शौक लगा तो सुन के। तुम्हें भी लगा? सभी को पता है। ओके अच्छा, वैसे बाय द वे एकता, तुमने फोटो नहीं भेजा है ना? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा कपिल फ्रॉम ग्लोकल लाइफ लर्निंग ऑफ एनीग्राम। लाइक इफ दिस वेरी आई एम मोर देन 5 टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम विद 2000 प्लस का एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर मेरे बारे में जानने की जरूरत है तो है मेरा रेफरल कोड, अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर पूजा इज माय नेम एंड 11 इज माय बर्थ कोड। दुर्विश मैं बता दूंगी तुम्हें बाद में, ठीक है? यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन, दैट इज ए पूजा 11। ओके हेलो अमित, कैसे हो बच्चों? सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइंड, दैट इज ए पूजा 11। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप देख सकते हो बच्चों, क्रैक एमएससी की लॉ सेट, अन अकेडमी लॉ एग्जाम्स हो रहा है बच्चों। सो टेस्ट नेम आप देख सकते हो, नंबर ऑफ टेस्ट भी देख सकते हो, डेट मेंशन है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शनल टेस्ट तो हो ही रहा है, इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हो रहा है बच्चों। हेलो मेहर, कैसे हो? और मेहर तुम टेंशन मत लो, ये मॉक टेस्ट कहाँ पे हो रहा है? ये ऐप पे होगा एकता। और बच्चों ये सिर्फ 3 ईयर वाले नहीं, 5 ईयर वाले भी दे सकते हो, ठीक है? मतलब 5 ईयर वाले नहीं, 3 ईयर वाले भी दे सकते हैं। हेलो ज्योत्सना, बहुत दिनों बाद, हेलो मोहित। ओके सो याद रखना, बहुत बहुत सदमे में हो, एग्जाम का डेट आ गया बच्चों, PUCT के डेट आ गए। अच्छा आज के क्वेश्चन में क्या अच्छी बात है, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्वेश्चन का लेवल अच्छा इजी है, लेकिन मैं बहुत फास्ट करवाऊंगी क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने। अच्छा आज का नहीं शो हो रहा था बच्चों, एक बार ही एकता को भेज देना अगर कोई भी मॉक टेस्ट दे रहा है, सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर जो भी मॉक टेस्ट है, तो प्लीज एकता को भेज देना लिंक, जिसने भी दे रखा है, ठीक है? क्लियर है? हेलो साची, हेलो आशी, हेलो रत्नेश, मुझे तो ओके। सो हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया? क्या होगा बच्चों? एंड अगर मैं पोल दे देती हूँ तो दिस वन इज द पोल एंड आंसर। अच्छा, बच्चों मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जैसे कि PUCT का भी पेपर नज़दीक है और MSCT का भी पेपर नज़दीक है, तो जो लूसेंट बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स करवा दूंगी। मतलब सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने हो पाएंगे मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड अदिति, ताऊ जी शांतनु त्रिरंगा, वेरी गुड बच्चों, इट्स निकोलाई बुल्गेनी, राइट? ओके कब? ये इसी टाइम में चलेगा आशी, इसी टाइम में चलेगा, ठीक है? हेलो साची, कैसी हो? सो
The first victim of the British policy of subsidiary alliance was, क्या मैं पोल दे दूं? एंड क्या मैं पोल दे दूं? हेलो अक्षत, हेलो एसडी जी, हेलो रोज, हेलो किंजल, वेरी गुड ज्योत्सना, वेरी गुड राशि, वेरी गुड आदित्य. और जल्दी से आंसर करो बच्चों. वेरी गुड एकता. एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स डी. Right, it's Hyderabad. First victim of British policy of subsidiary alliance was Hyderabad. Right. मैं भी अच्छी हूँ. Hello, honey. Hello, me. Okay. So ध्यान से देखिएगा बच्चों. A British East India Company defeated the Portuguese in the Battle of Subali, Buxar, Plassey, Chamkor. Which one is the correct answer? NDA 16th को, MSCT 28th को, PUCET 30th को. है ना, सभी अपना दुख लेके यहाँ पे बांट रहे हैं. एंड क्या मैं पोल दे दू बच्चों? अगर मैं पोल देती हूँ तो दिस वन इज द पोल. स्लैट 12th मई को, तो 12th मई को तो टाइम है ना भाई. मई में तो थोड़ा टाइम है ना दुर्गेश. अभी से मत करने लगो ऐसे. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ए, बैटल ऑफ सुवाली. याद रखनी है. ओके, स्लैट की चिंता मत करो. हाँ, स्लैट की चिंता मत करो, मैं भी यही बोल रही हूँ. 6 और 14 को, तो स्लैब की चिंता मत करो बच्चों. पेपर अच्छा रहेगा, टेंशन मत लो. टाइम आपके पास सही रहेंगे, बस थोड़ा सा फोकस होके पेपर देना. केशव नहीं आया, आ जाएगा, इंग्लिश सुधार लो. हाँ एग्जैक्टली, सही बोला ताऊ जी तुमने. ओके, सो हुम ऑफ द फॉलोइंग वोट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द AICC मीटिंग हेल्ड इन 14 June 1947. एंड द पोल इज दिस वन. हेलो आयत. अगर मैं पोल देती हूँ, हेलो श्रुति मैम, स्पेशल वालों को भी मैसेज दिखते हैं? हाँ, सभी को मैसेज दिखते हैं, सभी के मैसेज सभी को दिखते हैं. बस ये 3 ईयर एलएलबी वाला क्लास है. सो वेरी गुड ओमी, वेरी गुड इमू मेयर, वेरी गुड हनी, वेरी गुड एकता. एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स खान अबुल गफर खान अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. सभी के दिख रहे हैं, यानी सभी के. किसको मैसेज करना चाहती हो तुम? मैम मैंने आपको कुछ बोला था. आशी क्या बोला था एक बार फिर से बोल दो प्लीज, मैं भूल गई शायद. सो बच्चों, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मौलाना मंजूर एहसान के द्वारा, डॉक्टर मकफूर अहमद अजाजी के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा. हेलो अभिषेक, कैसे हो? तो वेरी गुड एकता, वेरी गुड शुभम ताऊ जी, वेरी गुड अक्षर प्रदीति, वेरी गुड साची, वेरी गुड श्रुति ओमी शांतनु, वेरी गुड रानी. याद रखना सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट. करेक्ट आंसर इज इट्स डी. Hello, 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 Arui. Okay, so first All India Trade Union was created in 1920 by N.M. Joshi, V.V. Giri, Purushottam Thakur Das, or Shyama Prasad Mukherjee. अच्छा मुझे बताओ, आज के क्वेश्चंस अलग है ना थोड़े? सच बताना, आज के क्वेश्चंस थोड़े से तो अलग हैं. Location and the poem is है ना? Yes. मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं पैटर्न बदल दूं, जिस सेक्शन से नहीं पूछ रही हूँ उस सेक्शन से पूछूं, और थोड़ा सा लूसेंट भी कंप्लीट करवा दूं. तो और भी बहुत सारे जो भी स्टैटिक के बुक्स के पीडीएफ होंगे मैं अरेंज, मतलब लिख पाऊंगी और बना पाऊंगी, तो जल्दी खत्म करवाऊंगी. अब थोड़ा ओके, इसलिए मेरे बहुत गलत हो रहे हैं. कोई बात नहीं ना, तो ऑब्वियसली कुछ नया तो पढ़ने को मिलना चाहिए ना. बहुत रिपीटेड हो रहा था. In which province Muslim League formed their first government after 1946 election? Ma'am, English. Oh, okay. English के लिए बोला था ना? अच्छा. 3 year LLB में आशी सर की English की class है, लेकिन 5 year वाले में तो सर की English की class नहीं है. So very good, Bato. Let's see. That is Bengal. Ding. Okay. Hello, hello,
Hello, hello, Ashif Omkar. Hello, Ekta Didi. Clear, he chahiye me ko. Clear chahiye, Ashif, to... Achha, ek second. Ekta, Ekta. Ashif ko sir ki 3-year LLB wali English ke classes ke link de do na, please. Ghar pe hum. Main kya bol rahi hum? Banner of women. Koi suni nahi raha mera. Okay, okay. Who among the following were the first to establish printing press? देखो ये मैंने पहले भी करवाया है, इसमें आप लोग गलत मत करना प्लीज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, P for printing press और P for it's me. So very good, एकता ज्योत्सना ताऊ जी. So very good, आदित्य प्रियंका अबुल नफीस समेर. Very good, आदित्य दुर्विश. And it's T, that is Portuguese is the correct answer. It means Portugal. Right. Hello Sanu, आप इंडिया ही हो ना? इंडियन ही हो ना? नहीं, मैं इंडियन ही हूँ. Hello Shasti, hello Manisha. Okay. High five, Tiranga. The Hindustan Socialist Republic Association, HSRA. ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? With an aim to overthrow the British. 1992-30, 1921-1928. और इनके कितने दिन के मेहनत रंग लाए थे? It's 19 years. 19 years. तो बुद्धि होगी तो आंसर कर दोगे. हेलो रागिनी. सो वेरी गुड ताऊजी आदित्य. वेरी गुड केशव यश अक्षत. वेरी गुड प्रियंका शांतनु आदित्य. वेरी गुड संबिता उमी. देखो 1928 में फॉर्म होने के बाद और फाइनली 1947 में ओवरथ्रो कर दिया गया ब्रिटिश को. ठीक है, लास्ट इज इट 23. ओहो, 2 पे क्यू याद आ रहा है, क्या बात है ताऊ जी. आज ताऊ जी से मैं बहुत स्पेशली नाराज हूँ. अब ताऊ जी पूछेगा क्यों. सो मित्रा मेला वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई वीर सवारकर. कौन से ईयर में? क्यों? अच्छा देखो, आज वो बिना क्या लिखा था उसने कमेंट में, क्लास के बीच में चला गया था. हाँ, बिना बिना क्या क्या लिखा था उसने, बिना के चला गया था. नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नहीं? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उसने क्या लिखा था. बिना बता, हाँ नहीं, बिना बता के नहीं, बिना बुलाए चला गया था. हाँ दुर्विश, वेरी गुड, थैंक यू. सो बिना बुलाए चला गया था पहली बार, प्लस क्लास. दूसरी बात की जब यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, हेलो मैम, हाय मैम करके, बाय मैम, बाय 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 बाय. ओके, सो विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट इन अ मेमोरी ऑफ अ ब्रिटिश मोनार्क. अच्छा, हिंदी आती है आपको? मुझे तो लग रहा है कि जो बंगाली बोलते हैं वो स्त्रीलिंग पुलिंग में उन्हें प्रॉब्लम होती है. वो तो मुझे एक बार कोई एक बंगाली अंकल थे, उन्होंने बोला कि तुम जाता है, तो मुझे लगा कि ओके हाँ, मैं समझ गई, मैं लड़का बन गया. तो सो द करेक्ट आंसर इज इट्स विक्टोरिया मेमोरियल. बंगाली लोग जाता है कहते हैं, ऐसी ही बात है, मुझे पता है. वो मानेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है वो वैसे ही बोलते हैं. उन्हें स्त्रीलिंग पुलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लास्ट में. द एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज लेड बाय हूम ऑफ द फॉलोइंग? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरुणा असफ अली और सी आर दास और सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब देखो ये गलत मत करना प्लीज, ये नहीं करना. एंड द पोल इज दिस वन. हाँ ये सो वेरी गुड शुभम ज्योत्सना, वेरी गुड अक्षत आदित्य, वेरी गुड गितेश हनी त्रिरंगा, वेरी गुड आदित्य संबिता आशी. एंड द करेक्ट आंसर इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी. केशव, तुम्हें किसी ने बोलने के लिए बोला मेरे और एकता के मैटर में? बोला मैंने? नहीं ना, आराम से रहो.
Sir, Atal Bihari Vajpayee was sworn in as India's Prime Minister for how many times? क्या मैं पोल दे दूं? क्या मैं पोल दे दूं? जल्दी से बताओ. वेरी गुड आदित्य. नहीं, वो पूरे क्लास में आके बोलते रहते हैं AMA 10 यूज करो, AMA 10 यूज करो. तो मैंने भी सोचा कि आज से उसके पक्ष में नहीं हूं मैं. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स 3 times, राइट? इट्स 3 times. मुझे आवाज सुनाई नहीं दी आजकल. मैं केशव की बातों को इमेजिन कर पा रही हूँ मेहर. जैसे सपोज यार तुमने लिखा, मैंने पट से इमेजिन कर लिया कि अच्छा मेहर बोलता तो कैसे बोलता, तो वो मैंने सोच लिया कि अच्छा केशव ऐसा बोल रहा हो. सो हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ किसने अटेंड करा था. बच्चों Good evening, Manmeet. Ultra Pro, I am. Yes, thank you so much. No, it's Max Pro. It's Max Pro, not Ultra Pro. Ultra Pro Max? Oh, no, I'm just Max Pro. So B is the correct answer. Hello, Suman. Hello, Vaishnavi. Okay. So, bachcho, who among the following suspended the non-cooperation movement? Kisne suspend kara tha, bachcho, non-cooperation movement? सैमसंग वालों को क्या पता सर? मैं, मेरे पास सैमसंग नहीं है, सॉरी, आई डोंट हैव. सो वेरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण, राइट? चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट. अच्छा, आपके पास है शास्त्री? नो, आई डोंट हैव आईफोन मेयर. आई हैव एमआई फोन. ओके. द गांधी मंडपम वेयर गांधी जी एशेज वर प्लेस्ड बिफोर इमर्सन इज इन. क्या मैं पोल दे दूं बच्चों? मजाक नहीं कर, मैं सीरियसली बोल रही हूँ. तुमने तो खरीद के दिया था एमआई का फोन यार. नहीं केशव, रक्षाबंधन पे. So, very good, Durvay Shruti, very good, Triranga, very good, Tauji Ash, very good, Sachi Omi Sujan, Mayor Shubham. And the correct answer is it's Kanya Kumari. Kya likha? Maine to bola, usne Rakshabandhan mein mujhe gift kiya tha. Kaise bhool sakti hu? Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? Kya call de dun? Keshav ne kiya tha, mujhe raksha bandhan pe. So very good, Akshat, Aditya, Umi. Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? तुम्हें पता है अक्षत आजकल क्या करता है क्लास में? सभी को लगे देने रहता है मतलब कमेंट्स करने में, और वो चुपचाप से आंसर करेक्ट करके साइड ले लेता है. काजू कतली की कैसी बेइज्जती की थी? अलग अलग फ्लेवर का स्ट्रॉबेरी वाली अच्छी नहीं थी. गीता रहस्य किसने लिखा था बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बीसी रॉय ने, मतलब विधान चंद्र रॉय ने, और के मुंशी ने. मैंने ऐसा क्या कर दिया? ओके. सो द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी ऑफ कोचिन इन केरला रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, द डच, द पुर्तगीज, ऑल ऑफ द अबव. मैं यहाँ पर फ्री का एंटरटेनमेंट चलता रहता है.
केवल एंजॉय करता और के अच्छा क्या बात है एंड द पोल इज दिस वन So the correct answer is D. Okay, Sachi, all the best. So, किसने लिखी है बुक बच्चों? नील दर्पण. नील दर्पण किसने लिखी है? Anyone? नील दर्पण किसने लिखी है? So, Deen Bandhu Mitra is the correct answer. So, as a reaction to Rowlatt Act, Dash was organized as National Humiliation Day. कौन से दिन को National Humiliation Day celebrate किया जाता है बच्चों? Rowlatt Act के बाद. मेरे birthday के 5 दिन पहले. ओ, मेरा बर्थडे आ रहा है ये इट्स 6th April 1919 किसी ने कोई खुश भी नहीं है छोड़ो आता बातें नहीं करने एक तो तुम कहाँ आना चाहती हो तुम रांची में जहां आना चाहती हो आ जाओ पहले तुम आओ तो तुम जितना पुणे से खर्च करके रांची आओगी मैं पार्टी दे दूंगी इन विच ईयर डिड द पतारूघाट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द टैक्स पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश टेक प्लेस इन असम विच वन इज द करेक्ट आंसर जलियांवाला बाग में नहीं रखूंगी अमृतसर जाना पड़ेगा मुझे थैंक यू सो मच अरीफा मैम बर्थडे फिर से शांतनु अप्रैल मंथ दिखा तो मैं बर्थडे एंड कैसे नहीं देखी अप्रैल मंथ दिखा तो मैं बर्थडे एंड कैसे नहीं देखी ओके गोवा में रखिए सब आओगे ठीक है सब आ जाओगे सबका टिकट हो जाएगा मुझे दिखा देना तब मैं अपना टिकट करूंगी विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु कलेक्टेड ऑल द वर्क ऑफ द प्रीवियस गुरुज And dictated it in the form of verses. It is Guru Har Gobind, Guru Har Krishan, Guru Arjun Dev, or Guru Gobind. Which one is the correct answer? हाँ तो तुम आराम से जब भी आओगे मुझे बस बोलना तो मैं पार्टी दे दूँगी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So very good Shruti Homi Durvesh, very good Napisha Babita, very good Sujal Shantanu Triranga Kauji, and the correct answer is Guru Arjun Dev. Oh, Triranga, tumhara birthday kab tha? So, first Englishman to preside over a Congress session. Kaun hai bachcho? Kaun se Englishman? George Yule, Dufferin, Wedderburn, or none of the above? Bata mujhe inke naam se kya yaad aa jata hai? Aisa naam kaun rakhte hai? So very good Jyotsna Ekta Aditi Shruti, very good Akshat, very good Triranga Ashi, very good Shantanu, very good Sujal, very good Nafisha, Keshav Bhavita Shubham and the correct answer is George Yule. Sujal, मुझे वहाँ मेरे पास passport नहीं है, मेरे पास passport नहीं है Sujal. जयकारा यहाँ के भक्तों का वीजा लगवाना भी नहीं है नहीं नहीं वीजा लगवाने की बात नहीं पाकिस्तान जाने की बात हो रही पासपोर्ट तो चेक करेंगे ना इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920
Who among the following moved the main resolution for the non-cooperation movement? And the poll is this one. फिर से तुम लोग ट्रैवलिंग का बात करती हो, ओहो मैं तो तुम लोगों से अलग दवा हूँ। देखो कहीं नहीं जाना है तुम लोगों को, बर्थडे पार्टी चाहिए मेरे घर में आ जाओ, जो खाना होगा मैं बना दूंगी, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। इट्स सीआर दास इज द करेक्ट आंसर। ओके पिंगली वेंकैया जो किन से रिलेटेड है? इंडियन आर्मी से, इंडियन नेशनल फ्लैग से, इंडियन नेशनल एंथम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, सभी को पता होगा। केशव देखो दुर्विश ने क्या बोल दिया। मेहर देखो दुर्विश ने क्या बोल दिया। सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेशनल फ्लैग। ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं होता। सो द विक्टोरिया मेमोरियल जॉर्ज यूले, जैसा नाम उसके पापा जॉर्ज उदमी, मैम केवल यहाँ मैं बस अपने कमरे में चार दीवारी में पागल हो गया। मैम बाकी टीचर तो ट्रैवल करके पढ़ाते हैं, मैं ट्रैवल नहीं करती। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट जिन्हें घर में रहना पसंद होता है। हाँ है मेरे घर में दुर्वेश। द विक्टोरिया मेमोरियल conceived by Lord Curzon represent the architectural climax of which city? Kya main poll de dun? And the poll is this one. So very good Jyotsna, Tauji Yash, very good Ekta Samrita, very good Priyanka Aditya, very good Durvish. So, in which of the following state, the influence of the Ahrar movement was mostly confined? Ahrar movement. Mera ghar hai. Kya main poll dun? Ye hint hai Meher ke naam. Very good, Shubham Aditya, Keshav Hani, Umi. क्या बात है, इट्स ए पंजाब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड की फर्स्ट रिसिपिएंट बताओ बच्चों। दादा साहब फाल्के अवार्ड की फर्स्ट रिसिपिएंट एंड द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड यश, एकता, दुर्विश, अदिति, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड वैष्णवी, सुजल, नफीसा, वेरी गुड अक्षर, शांतनु, ताऊजी, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस देविका रानी। देविका रानी इज द करेक्ट आंसर। ओके वाइसराय ऑफ इंडिया जब जलियांवाला बाग में से मतलब हुआ था तो उस समय इंडिया सॉरी वाइसराय कौन थे? क्या किसी को भी पता है? क्या किसी को भी पता है? जल्दी से बता दो। नहीं पता है, चलो ठीक है। मुझे ना वो डिक्शनरी की याद दिलाती है, मुझे ये वो ना डिक्शनरी की याद दिलाती है, और कार की भी, और कार की भी। सो वेरी गुड ताऊजी, वेरी गुड एकता, अक्षर, शांतनु, अदिति, ओके सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम ऑफ रंजीत सिंह, मेरी एक फ्रेंड है वहां की वाली थी, केशव के नाटक तुम्हें पता चलेंगे, एक तो तुम अपना सिर पटक लोगी। सोचोगे कि एक भाई दिया और वो भी ऐसा। ओके वेरी गुड, इट्स श्रीनगर।
किंगडम ऑफ रणजीत इज इन श्रीनगर. चूरन का पता नहीं पर डेजर्ट बहुत सही मिलते हैं. कहाँ? श्रीनगर में. वैसे वहां पे फ्रूट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द मॉडर्न आर्मरी वॉज एस्टैब्लिश बाय हैदर अली. हैदर अली से तुम्हारे स्टेट में. तुम्हारे स्टेट में तो सब अच्छा मिलता है. खाने ही के लिए तो जाना जाता है. रसगुल्ला से लेके एग रोल से लेके और कबाब वबाब जो भी सब कुछ अच्छा मिलता है वहाँ पे सब. सो इट्स डिंडीगुल. डिंडीगुल इज द करेक्ट आंसर. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एसोसिएटेड है किससे? क्या मैं पोल दे दूँ? एंड द पोल इज दिस वन. फिर ताऊजी ने कुछ बोला. ताऊजी क्यों बोलते ये सारी बातें? क्या नाम है? डिंडीगुल. डिंडीगुल नाम नहीं पता. अच्छा डिंडीगुल तो एक सिटी का नाम है ना. कुछ नहीं हो सकते. डिंडीगुल तुम्हें पता है कहाँ पे कौन से स्टेट में है? हाँ मैम तुमसे पूछो. इट्स लॉर्ड हास्टिंग तमिलनाडु में. मैम ट्विंस जागी. हाँ केशव. हेलो राज. वो डिंडीगुल तमिलनाडु में है. एक जगह काफी अच्छा वेदर है वहाँ का. काफी ठीक ठाक ही दिखता होगा मुझे लगता. So, next question. Who was the finance minister of Ranjit Singh? Vaishnavi Singh, who is twins? Me and my booth. So, very good, Sujal. So, very good, Aditi, Arui, Samvita, Omi. Finance minister the was Ranjit Singh, who was in the day, Dinanath. मैं और मेरा बूथ. Who was the founder of the newspaper Hindustan Times? Hindustan Times के founder कौन है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जब तुम लोगों को ये नहीं लगता कि newspaper तुम्हें पानी पिला देता है? तुम्हें लगता है कि पानी पी पी के तुम लोग newspaper पढ़ते हो? मुझे तो लगता है. बहुत सारे बच्चे बोलते नाम newspaper नहीं पढ़ा जाता. वही गो ताऊजी आदित्य. वही गो रेखता. वही गो मनमीत दरवेशी. करेक्ट आंसर इज के एम पनीकर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो शिवांगी कैसी हो? वैसे बिहार. हाँ वो तो अलग ही उसकी टेस्ट की बात ही कुछ और बताऊ. सही सही एकदम सही. आई एग्री. सो इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सपोर्टेशन ऑफ ट्रेड एंड सेल्फ? नहीं है मत करो. So during the company rule, the Hindu widows remarriage act was drafted by which one is the correct answer? And the poll is. मुझे ना इनके नाम से वो कश्मीर का कोई लेक याद आ जाता है. जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का लेक याद आ जाता है. तुम्हें याद आता है क्या? So very good शुभम. Very good एकता. गीतेश आदित्य. थैंक यू सो मच. ओके सो हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट चंद्रयान? चंद्रयान किसने लिखा था? ये एक इब्राहिम के आगे क्या लगा सकते हो टाइटल? इब्राहिम के आगे क्या टाइटल लगा सकते हो बताओ. So very good Suja Lomiani, Jyotsna, very good Triranga. So very good Aditi, Ash, Akshat. So very good Arvish, Gitej, Vaishnavi, Himu, Meher, Samvita, Aruhi, Tauji, and the correct answer is, it's Dodd, Mulla Dodd, and the Vulkan Dodd.
मैम प्री क्लास है, सेशन में तो आपकी क्लास शो नहीं हो रही थी शिवांगी। प्रॉब्लम इज दैट कि ये 3 ईयर LLB में है, तो इस वजह से 5 ईयर LLB में नहीं शो हो रही होगी। ठीक है, सी माई कमेंट। ओके वैष्णवी, क्या लिखा वैष्णवी ने? मैं सब नॉन वेजिटेरियन ही है क्या? नहीं वैष्णवी, मैं वेजिटेरियन हूँ। सो हुआर सिंह जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लीडर है, ठीक है, इन विच अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट। मैं मजाक में, जब मैं सीरियस हूँ, ठीक है। आप थी, हाँ नॉन वेजिटेरियन थी, अभी वेजिटेरियन हो, करीब 3-4 साल से नहीं खाया। सो वेरी गुड शुभम, वेरी गुड ताऊजी आरुही, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड प्रियंका, सो वेरी गुड त्रिरंगा शांतनु केशव, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स बिहार। मैम कौन से वाले वेजिटेरियन? मैं सही वाली वेजिटेरियन हूँ यार, जगदीशपुर के थे। कौन कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह तो बिहार के थे ना। एनीवन, तो वो जो कमांडर थे वो बिहार से बिलोंग करते थे ना। तुम लोगों को उनकी हिस्ट्री नहीं पता है? मतलब वो जगदीशपुर की, हाँ तो बिहार में ही, हाँ जगदीशपुर बिहार में ही है, वही मतलब बिहारी आंसर होगा ना, जगदीशपुर तो ऑप्शन ही नहीं है। और एक्चुअली देखो उन्हें एग्जैक्टली बोला जाता था कि वो बिहार से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली अगर तुम डिटेल में पूछोगे जगदीशपुर में, तो वो जगदीशपुर शायद ही कोई जानता है। किसी ने सुना है जगदीशपुर? एनीवन, हाँ मतलब हिस्ट्री को छोड़ के नहीं, बिहार में ही है बच्चों वो। तुम लोगों ने भोजपुर का नाम सुना है? भोजपुर का नाम सुना है? हाँ आराम है, आराम है, वहीं पे, वहीं पे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ सारागढ़ी, नहीं ये मत करो। वेयर डिड चंदा साहिब टेक शेल्टर वेयर ही वॉज डिफीटेड बाय नसीर जंग? अगर मैं पोल देती हूँ तो दिस वन इज अ पोल, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। शिवांगी इट्स पॉन्डिचेरी। So, which of the following battle ended the dream of the French to set up a French empire in India? Oh. सो वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड राशि बबीता, एंड द करेक्ट आंसर। अगर तारीफ थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ नहीं, अगर और क्या हो सकती है दुर्विशी, और क्या हो सकती है? सो विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉर्स वॉज एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास? सरकैज़म, अच्छा सरकास्ट, भजानी मैं ही हंसाती हूँ। ओ भाई क्या मैं बोलूँ, मैं इंडिपेंडेंस, हाँ विच म्यूजियम वॉज डिजाइन बाई जॉर्ज विक्टर वॉज फॉर्मली नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम? एंड द पोल इज दिस वन। मनमीत के कमेंट, चलो अभिषेक कैसे हो? अभिषेक आज 20 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ गया। सो
नहीं ऐसी बात नहीं है मनमीत, मैं खाती हूँ. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स डी. आज 20 मिनट पहले 11:52 पे आ गया था ना. दुर्विश का समय भी याद है, 11:52, 48, 46. So during World War II, the Battle of Kohima and Imphal were fought in the year. Which one is the correct answer? आज important बात होगा. आज हुआ मुझे भी लगता है कि शायद उसे नींद खुल गई कि पेपर नजदीक आ रहा है. अभिषेक चले गए क्या? मैंने फॉर्म नहीं भरा है. Okay, so which of the following act introduced an open competition system of recruitment in civil services? Which one is the correct answer? क्योंकि अभिषेक 11th में है, अभी 12th में जाएगा. वो छोटा है तुम लोगों से. अभी वो बहुत छोटा है. So the correct answer is Charter Act of 1853. ये तो latest news था. अब सुनो हनी की बातें सुनो, ठीक है? जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है मेरी नींद उठती जा रही है. मुझे तो लग रहा है रोजा नजदीक आ रहा है, भूख मिटते जा रही है. ये वही वाली बात हो गई. So which historical monument was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay? So kya hoga bachcho answer? And the poll is this one. Achha, usme bhook pad jati hai. Achha. Lekin mere saath same condition hai. Jaise suppose that mujhe kuch tension hota hai, chahe wo paper hota hai, chahe wo kuch bhi tension hota hai. मुझे नींद ज्यादा आती है, भूख ज्यादा लगती है. अब तुम्हारी नींद कैसी है कि तुम्हारे साथ वो भी शामिल नहीं. सीएचएसएल के दिन सही नहीं था. देखो मैं तुम लोगों को फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनना. जब पेपर हो, ज्यादा प्रेशर लोगे, पेपर खराब होगा. उसका रीजन मैं बता दी. रात में सोओगे नहीं, सुबह उठ के ठीक से खाओगे नहीं, और पेपर जब देने जाओगे तो नींद आने लगेगी, आंखें बंद होने लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन बंद हो जाएगा. तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छे से नींद लो. सिंपली दिमाग में ये रखो कि तुमने पूरा साल बहुत मेहनत किया है, इतना तुम्हें आता है कि तुम पेपर अच्छे से लिख पाओगे, राइट? और यहाँ पे जो आए हैं वो बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हैं ऐसे कि जिन्हें तुमसे ज्यादा आता होगा. अगर पेपर टफ आया तो तुम्हारे लिए भी इक्वली टफ होगा, राइट? और बस जाओ, आराम से जाओ और पेपर अच्छे से देख के आओ. आराम से जो भी मन करता है सुबह खा के जाओ. प्लीज ऐसा ही करो. नहीं केशव, तुम सिर्फ बड़े हो, बाकी सब छोटे पेपर के नाम है. तुम बस बड़े छोटे हो, सॉरी बड़े हो, बाकी सब सब छोटे हैं. एक देखो रात भर सोया ही नहीं. और सी एच एस एल में अगर वो 80-85 अटेम्प्ट करता वो 76 पर अटक गया. नुस्खाए दिल खुशा भीमसेन पुरानपुरी ने लिखा है. नहीं नहीं एडमिट कार्ड की गाइडलाइन ये नहीं होती है. अच्छा हिम्मत बढ़ाती रहा करो. ओके ठीक है. वो वाला गाना नहीं सुना तुमने, वीर तुम बढ़े चलो. नाम पर एक दिन खाया भी जा रहा है. अच्छा वो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वो पढ़ लिया करो.
वो पढ़ लिया, अगर उससे अच्छा मोटिवेशन लाइन तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो हु इमर्ज विक्ट्रियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इज दिस वन. पता नहीं कैसे, तुम्हें पता मेरे साथ क्या होता था? सपोज दैट मेरे साथ एक ही पेपर में ऐसा हुआ है, जब मैं पेपर देने जाती थी, सपोज दैट कि 10 बजे पेपर है और मैंने कुछ खाया नहीं, तो वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती थी, दिमाग मेरा कम करने लगता था भूख से. वो मैंने रॉन्ग पोल दे दिया. मैंने क्या पोल दे दिया? रॉन्ग पोल दे दिया, नहीं तो मैंने तो सही दिया, हैदर अली दिया ना, हैदर अली दिया, डब्ल्यू पी क्यों लिखे. ओके सो तो ना इसीलिए मैं ना कोशिश करती थी कि मैं खा के जाऊँ. मैं ज़्यादा मैं खाती हूँ, जो नॉर्मल डाइट है मेरी, मैं खाती हूँ तभी मेरा दिमाग काम करता है, मैं नहीं खाती तो मेरा दिमाग नहीं काम करता. इसीलिए बेटर है कि आप जैसे कंफर्टेबल होते हैं आप प्लीज वैसे ही रहिए. सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ये भी ठीक है, मैं तो नहीं खा के जाता, मुझे बहुत भूख लग जाता है, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे भूख पे चला जाता है. कौन चला गया शुभम, कौन चला गया? मोटू पतलू. एंड द करेक्ट आंसर इज खदक सिंह. सो अंश, शुभम ने कहा है कि अंश को हम लोगों ने भगा दिया. आई डोंट नो, वो तो शुभम एक दिन के लिए आया ही, हमने भगाया थोड़ी ना, वो तो बस यूं ही था. कुंवर सिंह, हु लेड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार, वाज द जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? शाहपुर, विक्रमगंज, जगदीशपुर और भोजपुर. देखो मैंने इसका आंसर जो बताया था वो नहीं होगा, मतलब वो वहां पढ़ता जरूर है लेकिन उसके वो नहीं थे. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ओम जय जगदीश. सो वेरी गुड हकन वैष्णवी केशव जगदीश. ओके ओके. डबल गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टैब्लिश अ सिस्टम डबल गवर्नमेंट? कंफ्यूज करके आपने, मैंने तो ओम जय जगदीश बोला. अच्छा मतलब इसमें मेरी ही गलती, कोई बात नहीं. अब ये सोचते तो इतना सोच के कोई क्लास आता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मॉक लगा रहे हो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं? सो वेरी गुड आदित्य अभिषेक हिमू, वेरी गुड शांतनु मेहर सुजल, वेरी गुड संविता अक्षर. और प्लीज मॉक दो, हर वीक दो दो कम से कम. स्पीड तो अभी मैं सीटी के लिए तो उतना स्पीड मैटर नहीं करता. हु स्टार्टेड फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर बॉम्बे दर्पण? ओके देखो कम से कम 95-98 लाओगे ठीक है, तो तुम्हारे वहां पे 120 आने के चांसेस होंगे, क्योंकि पेपर अगर निगेटिव मार्किंग तो है नहीं और पेपर थोड़े आसान ही आएंगे, और अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ करा तो वो सभी के लिए होगा, तो फिर कट ऑफ ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा. दो घंटे मिलते हैं मेहर, टाइम काफी रहता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं. ओके सो कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. तो तब तो बहुत सही राहुल जी, तब तो सही हो जाना है एक बारी में. और ऐसे भी स्लैट वाले पेपर में हो ही जाता है, जैसे अबुल का भी हुआ था, उसने एडमिशन नहीं लिया, फिर जिसने एडमिशन लिया उसका भी हो गया था. क्या नाम उसका? दीपेश, राइट. और अभी कहाँ पर है मैं? ओके So as per the Government of Indian Act 1935, the residuary power was given to who of the following? Residuary power. Raj puch raha hai mock kahan se laga rahe ho?
स्लैट में उसे नोएडा भी मिल रहा था और नागपुर भी मिल रहा था, लेकिन हाँ उसे पुणे नहीं मिला था, मतलब ठीक ठाक ही पेपर दिया था उसने, नोएडा और वो मिल रहा था नागपुर। सो द करेक्ट आंसर इज वाइसराय ऑफ इंडिया। नोएडा भी अच्छा है, हाँ मुझे पता है वो प्राइवेट कॉलेज है। हाँ अभिषेक वो प्राइवेट कॉलेज है, सिम्बायोसिस प्राइवेट कॉलेज ही है अभिषेक। Who abolished dual government in Bengal? Which one is the correct answer? So very good Abhishek Akshar, very good Raj Keshav Ekta. The correct answer is it's Warren Hastings. Who was the commander of the army of the East India Company in the Battle of Buxar? तो हनी नोएडा की पीएचडी, नोएडा का प्लेसमेंट ठीक है, हनी नोएडा का प्लेसमेंट अच्छा है वैसे। मतलब सुजल ठीक है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन रखना जब कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो। पीस की हिस्ट्री से नहीं मैम, पीस के हिसाब से नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतना पे फोकस मत करो, तुम ऐसे ले सुने मिल जाएगा। हाँ पुणे और नोएडा सही है, मैं बोल रही हूँ नागपुर के लिए नहीं बोला मैंने। एक बच्चा था जिसे जिसका जो घर है वो बहुत दूर हो जा रहा था, तो उसने अपने ब्रांच को चेंज करवा लिया, पुणे से नागपुर करवा लिया था। हाँ डीयू और बीएचयू काफी अच्छा है राज, वो तो हो जाए तो क्या क्या बात है, फीस भी कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ फाइव ईयर नहीं है, फाइव ईयर के लिए नहीं बोल रही मैं, जो बच्चे थ्री ईयर के लिए पेपर दे रहे हैं डीयू और बीएचयू, बाकी फाइव ईयर के लिए तो ब्लैट है ना, सिर्फ ब्लैट है और एलेट है। ओके मेरा कमेंट बिट्स में थ्री ईयर है क्या, नहीं जाना है मनमीत, मुझे नहीं लगता है कि उतने पैसे लगा के वहां जाना है थ्री ईयर में, अगर वैसे तो नहीं है जितना मुझे पता है। हाँ बीएचयू का फाइव ईयर का है ना दुर्वेश, ब्लैट ब्लैट वाला मतलब सीयूईटी के अंदर आता है ना, फाइव ईयर वाला आता है ना सीयूईटी के अंदर। हाँ फाइव ईयर वाला तो है ही, सिर्फ उसमें नहीं है डीयू में, पहले ब्लैक करके पेपर लेते थे, अभी वो सीबीटी के अंडर ले रहे हैं। गांधी ऑफ बिहार, क्या बात है, मात्र 40% लोगों ने कहा है, उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण कर दिया। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कहाँ हुआ था बच्चों? मैम एनएमआईएमएस मुंबई कैसा है, अच्छा है हनी, मतलब उसका तो इंट्रेंस भी होता है। हाँ अच्छा है, मतलब ठीक है जा सकती हो। तो वेरी गुड ज्योत्सना एकता अक्षत, वेरी गुड अभिषेक नफीशा केशव शांतनु, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। उसका फॉर्म निकलता है हनी, राइस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म आती है ना। गवर्नमेंट कॉलेज कौन से ठीक है, एमएससीटी दिलवा, एलएस पुणे, जीएलसी मुंबई अच्छी है, बीएचयू भी अच्छी है, वो सारे दे दो अगर गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट इज नॉट अफोर्डेबल। एनएलयू ही करो ना अभिषेक, जीएलसी इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ जीएलसी आईएलएस अच्छा है, प्लीज इंग्लिश के लिए अच्छा सर से बात करना। ओके ओके हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन फोर्सेस बाय द एक्ट ऑफ 1786?
तुम्हें पता है जितनी 1 साल की फी है SLS की, उतने में 5 ईयर के लिए फी लग जाएगी उसमें ILS और JLC में। ज्योत्सना सुजली मुकेश्वर संहिता द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ 1 साल की फी 30,000 रुपए ना दुर्वेश, आई थिंक 1.5 लाख रुपए में हो जाएंगे। अच्छा वो 5 साल के लिए? नहीं मुझे इतना पता है कि 30,000 35,000 1 ईयर की फी थी, 1 साल की 6,000। क्वेश्चन ओके राज मैम, DU में प्लेसमेंट है? DU से BLLB करने के बाद आपको खुद जुडिशरी में प्लेसमेंट, जुडिशरी हो जाएगी आपकी, आप पेपर दे देना। मैं वहाँ से प्लेसमेंट की बात, मतलब वहाँ के जनरली लोग जुडिशरी प्रेफर करते हैं एंट्रेंस के लिए। MHCET निकालना पड़ता है अभिषेक। कहाँ का रहने का खर्चा है मम्मी? वहाँ के हॉस्टल्स अच्छे हैं ना, वहाँ की भी फी कम है? नहीं नहीं मनमीत, वहाँ का फी मतलब नॉमिनल है, मतलब जो हॉस्टल्स फी है वो वहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं JLC और ILS में। हाँ एग्जैक्टली, ये प्लेसमेंट वाली बात है, अगर कॉलेज अच्छी है तो हाँ PG में भी रह सकते हो। सो आउट ऑफ विच फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फाउट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? सुरेगर केशव आशी, इट्स बैटल ऑफ बक्सर। Who was head the commission which was appointed by Congress to investigate the Jallianwala Bagh massacre? Okay, so this is the last question. And शायद मैंने कुछ गलत बोल दे दिया क्या? नहीं मैंने कुछ सही बोल दिया, चेक करना एक बार इसका आंसर क्या है। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस। ओके सो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय। रेफरल कोड यूज करना मत भूलना इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, गुड नाइट, बाय बाय। नॉर्मल हनी, अच्छा मैं तुम्हें सिलेबस दे दूंगी उसके, ठीक है मैं तुम्हें सिलेबस दे दूंगी। PLI भी यूज कर सकते हो, पूजा 1-1 भी यूज कर सकते हो। ओके ओके, नहीं लेना अभी सूजल, थोड़ा दिन रुक जाओ, देख लो। सो बाय, टेक केयर।